हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है और मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा रखें। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून काजू पाउडर है, ये काजू का पेस्ट भी आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 1 चीज़ के क्यूब को मैंने ग्रेट किया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, आप चाहो तो सिर्फ स्टेम्स भी ले सकते हो। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। अगर आप चाहो तो आप इसको इमीडिएटली भी बना सकते हो। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी और इसमें ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। गैस का फ्लेम हाई है, इसको कवर करके चिकन टेंडर होने तक मैं इसको कुक कर लूँगी। जब तक चिकन कुक हो रही है हम एक सॉस प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस। अगर आप शेज़वान सॉस नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। 2 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट टमेटो केचप ऐड करेंगे। आप चाहो तो स्वीट टमेटो केचप भी ऐड कर सकते हो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सॉस हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। चिकन भी हमारी रेडी है, चिकन टिक्का बनकर रेडी है। मसाला सब ड्राई हो गया है। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूँगी। आप चाहो तो इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हो। मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है। अगर आप घर पर पिज़्ज़ा बेस बनाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो सॉस हमने प्रिपेयर किया था वो हम इस पर लगाएंगे। इस पर मैं थोड़े चीज़ स्लाइसेस रखूंगी। मैंने इसको चीज़ स्लाइस से कवर कर लिया है। अब हम इस पर चिकन टिक्का जो हमने प्रिपेयर किया था वो रखेंगे। आपको जितने पीसेस चाहिए आप रख सकते हो। इस पर अब हम ये कैप्सिकम के पीसेस रखेंगे। मैंने कैप्सिकम को भी क्यूब्स में कट किया है, आप चाहो तो लंबे स्लाइस में भी कट कर सकते हो। अनियंस डालेंगे, अनियंस को भी मैंने क्यूब्स में कट किया है, आप चाहो तो स्लाइसेस में भी काट सकते हो उसको। इस पर हम थोड़ा सा टमाटो सॉस डालेंगे। इस पर अब हम पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे। मैंने गो का पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। आपके पास नहीं है तो आप ओरिगेनो ऐड कर सकते हो और चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। अब हम इसको तवे पर सेक लेंगे। एक पैन को मैंने हीट किया है, इसमें मैं ये पिज़्ज़ा का बेस रख दूंगी और इसको कवर कर लूंगी। चीज़ मेल्ट होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। नीचे का बेस भी हम क्रिस्पी कर लेंगे। पिज़्ज़ा को चेक कर लेंगे, चीज़ भी मेल्ट हो गया है और ये नीचे से भी बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हो। चिकन मलाई टिक्का पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।